Balance sheet of Fisco Limited is as follows. We have the liabilities and the assets. This company business is to be purchased by Shiv Limited. मतलब ये कंपनी है विष्णु लिमिटेड का. अब कौन परचेज कर रहा है इसको? तो शिव लिमिटेड इज परचेसिंग. यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. क्या बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल बट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन. रीजनेबल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्लास ऑफ द बिजनेस डन बाय द कंपनी इज 12%. सो दिस इज योर इंफॉर्मेशन ऑफ एनआरआर. So your return is how much? Normal rate of return is 12%. Company's average profit of the last 5 years after making the provision of for taxation and 50% amounted to ₹47,500. बोल रहे कि provision 50% provision लगाने के बाद the amount was 47,500. So this amount is after making the provision for taxation. The present market value of land and building is to be valued at 1,10,000. So, balance sheet में जो value है वो कितनी दी है? 95,000. Now we need to take a revalued figure of 1,10,000. Next, other assets are to be taken at their book value. मतलब इसके अलावा जितने भी assets हैं वो हम book value पर लेंगे. डायरेक्टर्स ऑफ द विष्णु लिमिटेड मतलब जो कंपनी है उसके डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. विच आर टू इन नंबर्स मतलब दो डायरेक्टर्स हैं. आर टू बी अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शिव लिमिटेड मतलब विष्णु लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी शिव लिमिटेड के डायरेक्टर्स बनेंगे. वर्थ ऑफ देयर सर्विसेज इज एंड विल बी इन द फ्यूचर. एक जन को ₹5,000 मिलेगा पूरे साल का. तो अगर दो डायरेक्टर्स है तो कितना मिलेगा टोटल? ₹10,000. But no charge has been made regarding this against the profit of Vishnu Limited. क्या बोल रहे हैं? But इसकी adjustment अब तक Vishnu Limited ने नहीं की है, तो हमें इसकी adjustment करनी पड़ेगी in the books of Vishnu Limited. The goodwill of the business of Vishnu Limited is to be taken at 4 years purchase or super profit of the company. कितना years of purchase है? 4 years of purchase. And कौन सी method से हमको करना है? तो सुपर प्रॉफिट मेथड. जैसे ही सुपर प्रॉफिट आया हाउ मेनी स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो? 5 steps स्टार्टिंग विद कैपिटल एम्प्लॉयड. इफ यू सी कोई सम में डायरेक्टली आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल मिल जाता है जस्ट लाइक अ प्रीवियस सम. और किसी में आपको कंप्लीटली असेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होगी और आपको उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा. नाउ टेल मी यहाँ पर बैलेंस शीट में गुडविल दी है ₹15,000. आर यू गोइंग टू टेक दिस गुडविल? ऑब्वियसली नो. यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ विष्णु लिमिटेड. ये बैलेंस शीट डेट पर थे तो हमें वही तो कैलकुलेट करना है. सो वेल कैलकुलेटिंग यू आर नॉट गोइंग टू टेक द अमाउंट ऑफ गुडविल. ये मिस्टेक है जो कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं. बैलेंस शीट में दिए सारे असेट्स लेने के तो लोग यहाँ पर 15,000 की गुडविल दी. गुडविल नहीं दिए, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है. ये इसका पास जो भी डेटा है उससे आपको बताया है कि 15,000 rupees है. बट जब अभी बिजनेस परचेज हो रहा है तब शिव कितना विष्णु को गुडविल देगा? शिव लिमिटेड इज अ कंपनी विच हैज परचेज विष्णु लिमिटेड. तो शिव विष्णु लिमिटेड को कितना गुडविल देगा वही तो हम उसका गुडविल कैलकुलेट कर. सो ऑल द एसेट्स एट अग्रीड वैल्यू माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी विल गिव यू द कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज योर स्टेप नंबर 1. सो कैलकुलेशन ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड. अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग हम लेंगे कितने पे? 1,10,000 पे. मशीनरी 60,000. स्टॉक विल बी एट 57,500. वी आर डेटर्स 47,500 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 3,500. नॉट कैश एंड बैंक, इट इज कैश एंड कैश बैलेंस ऑफ 3,500. So you got a total of your assets 2,78,500. अब external liabilities check करो. You have a creditors of 63,000 and depreciation fund of 22,500. दोनों को add करो, you will be getting 85,500. Assets minus liability will give you the capital employed. यहाँ पर preference shares का कोई भी information नहीं है. अगर preference share capital होता तो हम यहाँ से net asset में से उसको minus करते.
but we don't have any information of her reserve, not even for the कितना ट्रांसफर किया उन्होंने, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो डायरेक्टली हम जो आंसर आएगा वही हमारा वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा. सो व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? 1,93,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टेप नंबर टू, वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. कैसे मिलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR. कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मिला 1,93,000 इंटू NRR इज गिवन इन द क्वेश्चन 12%. So 1,93,000 का 12% comes to rupees how much? 23,160 rupees. This is your step number 2. Step number 3 कौन सा था? What you are going to calculate in step number 3? Average profit. Now, average profit के calculation में आपको ये वाला calculation भी करना पड़ेगा. So उसके लिए आपको लेना है profit before tax. ये जो profit दिया है that is profit after tax. But to do this calculation, I want a profit after tax. Before tax. तो मैं अब reverse calculation में जाऊंगी. So see how we have to complete this reverse calculation. So step number 3, calculation of your FMP or you can say average profit, profit before tax. देखो 47,500 was profit after tax और बोला था 50% of the provision was there. तो अगर आप इसका reverse calculation करो तो 47,500 into 100 divided by 50 क्योंकि 50% was a provision. तो original amount कितना होगा profit before tax? 95,000. कैसे निकाला? अगर say for example 47,500 was profit after tax. तो बिफोर कितना होगा? तो इसका 100 डिवाइड बाय 50 कर. सो यू विल बी गेटिंग दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्लियर? ये वाला स्टेप समझा? रिवर्स कैलकुलेशन किया. क्यों रिवर्स कैलकुलेशन किया? बिकॉज वी वर हैविंग वन एडजस्टमेंट. किसकी एडजस्टमेंट थी? डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन. अगर आप डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करोगे तो प्रॉफिट बढ़ता है कि प्रॉफिट कम होगा? Obviously your profit will get reduced. So you have a two directors and you are going to give 5,000 rupees each. So it will be 10,000 जहाँ पर आपका profit उधर इतने से कम हो जाएगा. So अब कितना आएगा profit? 85,000 का. Profit after tax करने के लिए 50% of provision again you apply to this. 85,000 का 50% comes to 42,500. So you will be getting your average profit of 42,500. This is also known as FMP. आपको FMP मिल गया 42,500. ये करने का रीजन पता चला बिकॉज एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट करने, मुझे टैक्स पे करने से पहले मुझे रेम्यूनरेशन पे करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर आया एम गोइंग टू पे का. सो वन वॉज रिवर्स कैलकुलेशन, एक तो ये टैक्स वाला. स्टेप नंबर 4 वॉज टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. हाउ यू गेट अ सुपर प्रॉफिट? एफएमपी और यू कैन से एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो कितना आया एवरेज प्रॉफिट? 42,500. नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हमें? 23,160. सो माइनस 23,160 यू विल बी गेटिंग द सुपर प्रॉफिट ऑफ 19,340. सम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, गुडविल कैलकुलेट करना बाकी है. क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू टेक अ 4 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो 4 इयर्स ऑफ परचेज, सो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स. सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 19,340 into 4, which will give you the goodwill of 77,360. So question में दो important point था, एक तो goodwill नहीं लेना था while calculating it up and second was reverse calculation for doing the adjustment of director's remuneration. Check the sum completely once.